से स्वागत करते हैं माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय, जब भी देखो तो नूर मिलता है, रूह तक को सुरूर मिलता है, जो झुका हो गुरु के चरणों में इल्म उसको ज़रूर मिलता है। कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। चलाते चलो नाव तुम वो निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी अगर, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। We all know ICT has come in a big way and we have to take advantage of ICT. And now we feel that it is not just ICT for the sake of ICT or ICT in isolation. Rather, ICT should be integrated with content and with pedagogy. Then only we can make our teaching learning more meaningful. Our teachers who are going to receive awards, they have very creatively integrated technology with pedagogy and they have come out with their innovative ideas, and we are going to recognize their ideas and their contribution. And you will be happy to know that 43 awardee teachers are present here along with their family members, and I take this opportunity to welcome you all and congratulate you all for your success, for your achievement. Our concern is ICT not in isolation, rather ICT integration. And I am really very happy, and we are grateful to our honorable minister who has given his valuable time for this award. सबसे पहले मैं NCERT को, CET को और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा कि ICT के उपयोग में उन्होंने इतनी रुचि दिखाई, क्योंकि हर समय समाज और देश आगे बढ़ते रहता है। अब दूसरी एक बड़ी चुनौती है कि जो बच्चे स्कूल में हैं उनके टीचिंग लर्निंग में किस तरह से हम गुणवत्ता में सुधार लाएं। आप में से अनेक लोग देखते होंगे, सर्वे भी आते हैं कि पांचवी कक्षा के बच्चे को तीसरी कक्षा का पाठ नहीं आता है या गणित नहीं आती। कई कारण हैं, इसमें कोई सिंपलिस्टिक व्यू नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसको दूर करने में ICT एक बहुत बड़ी उपलब्धि ला सकता है। अब हम अवार्ड और अवार्डीज पर एक डॉक्यूमेंट्री आप सबको दिखाएंगे, तो आइए देखते हैं ये फिल्म। विद्यालयी शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय ICT पुरस्कार। बच्चों का मन प्रश्नों, जिज्ञासाओं और कौतूहल का पिटारा होता है। वे मात्र इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि उनके आसपास या प्रकृति में कुछ घटित हो रहा है, बल्कि वे यह जानकर संतुष्ट होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। परंपरागत शिक्षण विधियों से बाल मन में उठने वाली नित नई जिज्ञासाओं का समाधान कदाचित पूर्णतया संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इस कौतूहल की उड़ान को नए पंख मिलते हैं ICT से। ICT यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ICT बच्चों को सीखने और सिखाने की जीवंत और सजीव दुनिया में ले जाने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें शिक्षण अधिगम हेतु सूचना और संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों जैसे एनर्जाइज्ड पुस्तकें, ई संसाधन, टैबलेट्स, मोबाइल एप्स, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, हार्डवेयर और विषय आधारित सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन प्रयोगशाला, मुक्त और मुफ्त शिक्षा कोष आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि बच्चों के मन में विषय वस्तु के प्रति मनोरंजक, सृजनात्मक और रुचिकर ढंग से गहन समझ विकसित हो सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत उन शिक्षक शिक्षिकाओं को
राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने आईसीटी का प्रभावशाली एकीकृत और नवाचारी प्रयोग करते हुए बच्चों में अधिगम की प्रोन्नति के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों, राज्य सरकारों द्वारा पोषित स्कूलों, सभी केंद्रीय सरकार के स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय तिब्बती विद्यालयों, रक्षा मंत्रालय द्वारा परिचालित सभी विद्यालयों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों और निजी विद्यालयों के अध्यापकों को भी प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए देश भर के 43 शिक्षक शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की यह यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए हम सभी कृत संकल्प रहें। अब हम माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन शिक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। श्री टी वज्रा नरसिम्हा रेड्डी, अध्यापक जीव विज्ञान, नगर पालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कदीरी, आंध्र प्रदेश। जोरदार तालियों से इन शिक्षकों को प्रणाम करें। श्री चक्रपाल तिवारी, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारा शिव, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। श्री केशव राम वर्मा, प्रधानाध्यापक पवन दीवान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। श्री परी बलदेव परी, जवेर परी, अध्यापक बरवाला माध्यमिक विद्यालय तालुका मेसाण, जूनागढ़, गुजरात। श्री राजगौर राकेश कुमार, जयंती लाल, प्रधानाध्यापक श्री पांचा अनुपम प्राथमिक विद्यालय, जिला मेहसाणा, गुजरात। श्री भट्ट अल्पेश कुमार, रमेश चंद्र, सहायक अध्यापक एसडी देसाई उच्च विद्यालय, जिला आनंद, गुजरात। श्री राजकुमार आर्य, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय आदर्श संस्कृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पंचकुला, हरियाणा। श्री प्रमोद कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक एवं कार्यक्रम अधिकारी, अकादमिक शाखा शिक्षा सदन, पंचकुला, हरियाणा। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, प्रवक्ता वाणिज्य, राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चनाब हिलाल अहमद लोन, अध्यापक राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंदरबल, जम्मू और कश्मीर। जनाब मोहम्मद अयाज रैना, अध्यापक एवं नोडल ऑफिसर, राजकीय बाल मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर। श्री महेश एस, सहायक अध्यापक कन्नड़, राजकीय उच्च विद्यालय निदुवानी, हासन, कर्नाटका। श्री विक्रांत के, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय उच्च विद्यालय कोडगू, कर्नाटका। श्री मोहन के आर, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हीरेवराली, मांड्या, कर्नाटका। जनाब रशीद ओडक्कल, उच्च विद्यालय अध्यापक प्राकृतिक विज्ञान, राजकीय व्यवसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडोटी, मल्लपुरम, केरला। श्री माधवन वी, सह शिक्षक निर्मला उच्च विद्यालय कवनगिरी, वायनाड, केरल। जनाब अब्दुल रहमान पी, अध्यापक राजकीय कनिष्ठ प्राथमिक विद्यालय होसदुर्ग, कासरगोड, केरला। जनाब मोहम्मद शाहिद अंसारी, अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिस्साडो, परासिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। श्री ओम प्रकाश पाटीदार, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, जीव विज्ञान, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर, मध्य प्रदेश।
श्रीमती मृदु प्रकाश सक्सेना वरिष्ठ प्रधानाध्यापिका सागर पब्लिक स्कूल साकेत नगर भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सोमनाथ वामन वालके स्नातक अध्यापक जिला परिषद केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय आष्टी बीड महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अभी कुछ अवार्ड्स और हैं, राष्ट्रीय बाल भवन के बच्चे एक राष्ट्रीय गीत देश प्रेम से उत्प्रोत एक गीत प्रस्तुत करेंगे। अब फिर से वक्त है ज्ञान का प्रसार करने वाले, प्रकाश देने वाले शिक्षकों को नमन करने का। श्री रविंद्र शाह जी बापकर, सहायक अध्यापक जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय सरदवाड़ी अहमदनगर महाराष्ट्र। श्री विक्रम खोनवा अडसूल, सह शिक्षक जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय पडनगर बस्ती अहमदनगर महाराष्ट्र। श्री बरिंदर सिंह, अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुसरोपुर करतारपुर जलंधर पंजाब। श्री अमृतपाल सिंह, अंग्रेजी मास्टर राष्ट्रीय उच्च विद्यालय बग्गा अजनाला अमृतसर पंजाब। श्री देवकरण सिंह, प्रधानाचार्य स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालाराम राजकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू राजस्थान। श्री मनोज कुमार पाठक, व्याख्याता भौतिक विज्ञान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राजस्थान। श्री जी सेल्वा कुमार, माध्यमिक श्रेणी अध्यापक पंचायत प्राथमिक विद्यालय थिरुपुराकुडी कांचीपुरम तमिलनाडु। श्री करणेदास पी, पीटी सहायक गणित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विरुधुनगर तमिलनाडु। लासा रमेश वी, अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान ओपीआर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विलुपुरम तमिलनाडु। श्रीमती उमा रानी चिलुका, माध्यमिक श्रेणी अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना। श्री देवनपल्ली नागराजु, स्कूल असिस्टेंट जीव विज्ञान राजकीय उच्च विद्यालय गजबेल सिद्धिपेट तेलंगाना। श्री प्राणेश भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। श्री रवि प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय धौरहा जिला गोंडा उत्तर प्रदेश। श्रीमती प्रतिमा सिंह, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय दुसा बलरामपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती सोना ओके, स्नातकोत्तर अध्यापिका कंप्यूटर विज्ञान परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय पालघर महाराष्ट्र तारापुर से हैं। सुश्री सुमा पॉल, स्नातकोत्तर अध्यापिका कंप्यूटर विज्ञान राजगिरी पब्लिक स्कूल एर्नाकुलम कोच्ची केरला। श्रीमती तरुणा, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर अध्यापिका कंप्यूटर विज्ञान इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल द्वारका नई दिल्ली। श्रीमती कृपाली रुथिन संघवी, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिका कंप्यूटर विज्ञान उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन सरदार पटेल संस्थान के सामने अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर असद अहमद, स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थशास्त्र केंद्रीय विद्यालय भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। जनाब फैसल एस एल, लाइब्रेरियन केंद्रीय विद्यालय पट्टम थिरुवनंतपुरम केरला। श्री रामचंद्र जी देश पांडे, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक सामाजिक विज्ञान जवाहर नवोदय विद्यालय हावेरी कर्नाटका। श्री लवकेश सिंह, कंप्यूटर अध्यापक आईटी प्रशासक पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा पटियाला पंजाब। लवकेश सिंह वर्मानी, अब
आपको माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया माध्यमिक स्तर के सीखने के प्रतिफल नाम की पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें माननीय। और अब दो पुस्तकों का एक साथ विमोचन किया जाएगा और इनके नाम है पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या, पूर्व प्राथमिक दिशा निर्देश। माननीय एक और पुस्तक है जिसका विमोचन आपके कर कमलों द्वारा किया जाएगा, कला समेकित अधिगम। और अब एक मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया जाएगा माननीय आपके कर कमलों द्वारा, जिसका नाम है ई पाठशाला वर्चुअल रियलिटी मोबाइल ऐप। माननीय आपसे निवेदन है कृपया इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी आपका, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं शिक्षा जगत को। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की और सम्मान की बात है कि हम अपने परिश्रमी शिक्षकों की पहल और उनके प्रयास के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी की पहुंच की कल्पना कर सकते हैं। हमने हमेशा प्रयास किया है, हमारे निजी दस्तावेजों ने हमेशा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जैसे कि ई सामग्री का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षकों के सतत विकास, दिव्यांग वंचित समूहों और दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्र और छात्राओं की शिक्षा और ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की योजना, प्रशासन और प्रबंधन, यह सारे प्रयास जो है इसके कारण शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति आई। इसका उद्देश्य स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना और शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाना है। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आईसीटी एट स्कूल योजना शुरू की। यह योजना भारत के स्कूलों में शिक्षार्थियों को आईसीटी कौशल को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। यह योजना एक सिर्फ अकेली योजना नहीं बल्कि शिक्षा के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र में आईसीटी के विषम प्रसार को पाटने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संगठनों के पारस्परिक प्रयास से सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। समग्र शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत आईसीटी घटक के कार्यान्वयन के भाग के रूप में आईसीटी के बुनियादी ढांचे को और सशक्त करना यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आईसीटी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को आईसीटी के राजदूतों के रूप में कार्य करने के लिए भी एक जिम्मेदारी दी गई है ताकि वे कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए अन्य शिक्षकों को सलाह दे सके और छात्रों के बीच उद्यमशीलता कौशल विकसित करें। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस वर्ष 43 शिक्षकों जिन्होंने शिक्षण अधिगम में आईसीटी को एकीकृत किया है। सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी शिक्षकों को आईसीटी का उपयोग करने और अपने शिक्षार्थियों को सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए अपनी कक्षाओं में आईसीटी की पहल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द 43 नेशनल आईसीटी अवार्डीज फॉर देयर हार्ड वर्क एंड हार्ड अर्न्ड नेशनल आईसीटी अवार्ड 2017। ऑल्सो ऑल ऑफ अस वी कन्वे आवर हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी श्री संजय धोत्रे जी। सर, once again thank you very much for sparing your valuable time
and making it a point to meet all the national ICT awardees and honoring them on this day. Once again, thank you very much.